इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भवं भवानी सहितं रामांगे च विभाति भूधर सुधा देवा गाम सके बाले बाल पथर गले चक्रम यस्यो रसी व्यालरा क्यों ये की काई है दो भाई श्री सीताराम एक ही काई है राधे श्याम एक ही काई है लक्ष्मी नारायण भगवान एक ही काई है भूत बावन भगवान मां शिवा एक ही काई है दो ही काई है एक ही काई है इसी का अभ्यास करना और थोड़ा महत्व देना सीखिए किसको बच्चों की मां को महत्व देना सीखिए। यहां पूजन में हम सबकी डायरी बांच लेते हैं दो मिनट में ही। घर में जैसे आप रहते हैं ना वो यहां आते ही पांच मिनट में सब पता चल जाता है। महत्व देने का अभ्यास कर इसी से चलेगा यही आगे चलेगा यही बच्चे देखते देख रहे हैं। मारे भय के प्रधानमंत्री जी ने भी 23% माताओं को मंत्रिमंडल में ले लिया 23%। एक दिन न्यूज में देख रहा था मैं क्या है देखिए ना लोकसभा अध्यक्ष कौन है कौन है नाम बहुत डरा मुझे याद नहीं होता है मैं तो केवल काम की बात देखता हूं। गृह मंत्रालय माननीय राजनाथ जी के पास है लेकिन विदेश मंत्रालय सुषमा जी के पास है। अंदर की जो स्थिति है उसको संभालने का काम मान्यवर को है लेकिन बाहर जितना खरमंडल हो रहा है हमारी माननीय सुषमा जी पूरा संभाल। रक्षा मंत्रालय भी वहीं चला गया प्रमुख पद है भारत के तो प्रमुख क्या है मातृशक्ति का सम्मान ही देव शक्ति का सम्मान आदत डालो देख करके अभ्यास करो। हम आपको कोई सरकार की प्रशंसा नहीं कर रहे हम आपको दर्शन करा रहे हैं दर्शन करो देखो यत्र नार्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जहां माताओं का पूजन माने सम्मान होता है वहीं देवता रमण करते निरादर नहीं आदर। बाबा ने बहुत स्नेह दिया कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ देवताओं के सेनापति हुए तारकासुर का समापन हुआ बाबा ने कहा जग जन सन्मुख जन्म कर्म जन्म कर्म पुरुषार्थ प्रताप इसलिए गोस्वामी जी कहते मैंने संक्षिप्त में कह दिया है ये चरित्र हरि भेद न पावहि वरने तुलसी दास किम अति मते गिरजानमण भगवान भूत भावन का चरित्र वेदवत समुद्रवत वेद भी समुद्र सदृश और समुद्र वेद सदृश कोई पार नहीं पार। तब वो स्वामी जी कहते हैं मैं क्या वर्णन करूंगा भरद्वाज जी के नेत्र में प्रेम अश्रु आगे रोमावली खड़ी हो गई जिन पंक्तियों को हमने आपने गाया था। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं प्रथम ही कहि मैं शिव चरित बोझा मर्म तुम्हारा
सर्वहिर विकार रहित पवित्र सेवक हैं, भक्त हैं किसके? राम जी के। भगत का जीवन होता है, जीवन नहीं होती, भगत का आनंद होता है, भगत का रस होता है। विकार रहित, विचार सहित, भरद्वाज मुनि वसई प्रयागराज ने राम पति अति अनुरागा ताप सम दया निधाना परमारथ पद परम सुजाना। परम सुजान भरद्वाज जी महाराज हर्ष में, हर्षातिरेक में गदगद अब कथा पहुंची कैलाश। गृहस्थी होने के बाद से ही परमार्थ सिद्ध शुरू होता है। गृहस्थाश्रम व्यवहार के प्रयोगशाला की इंसाइक्लोपीडिया है, विश्वकोश। जो गृहस्थी में आएगा वही दुनिया को समझ पाएगा। स्वार्थ वार्थ अलग विषय है। अकेले गृहस्थ आश्रम नौ आश्रम के बराबर है। एक थोड़ा मधुर विनोद देखिए, कोई मुझे सुना रहा था। एक माता पिता बड़े दुखी हुए तो एक बाबा जी के पास गए। सब लोग अपनी अपनी अरदास कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी अरदास कही, बाबा भगत जी कैसे आए? बाबा बहुत दुखी है। बताओ। चेले बोलने लगे, महाराज ऐसे, महाराज ये कर देते हैं, महाराज वो कर देते हैं, महाराज वो कर देते हैं। तो नवदंपति ने कहा, महाराज आप कुछ न करिए, ऐसा कोई मंत्र बताइए कि मेरे दो बच्चे हैं, दोनों का होमवर्क चुटकी बजाते हो जाए। जो विद्यालय से गृह कार्य मिलता है। तो बाबा बोले, बच्चा कोई और बात हो तो मांग लो, इसी समस्या से तो मैं बाबा बना हूं, यदि इसका ही समाधान मेरे पास होता तो मैं भी तेरी तरह गृहस्थी में रहता। गृहस्थ आश्रम दुनिया की सभी समस्याओं का विश्वकोश है। आप दर्शन कर लो। गृहस्थ आश्रम में भी रहकर जो भगवत स्मरण में लगा है वो जीव इस युग में परम धन है, परम धन। अरे बड़ा आनंद हो, क्या बात है, है? बहुत आनंद। आप अनुभव करते होंगे, बहुत रस है, बहुत आनंद है। आओ माओ गाओ, दिन भर की कचाई में भी भजन बनता है। मेरे बाबा गृह कार्य से संपन्न होते हुए मुक्त हो गए। गणपति अपनी यात्रा में, कार्तिकेय स्वामी दक्षिण में अपनी यात्रा में, बाबा गृह कार्य से मुक्त। ध्यान रखिएगा दो बात। आज की दूसरी बात, जीवन में दो में से एक बात तय कर लो। जगत की सामग्री कितनी बटोरनी है अथवा किस उम्र तक बटोरनी, एक तय कर लो। कितना समेटना है, जाना साथ में कुछ नहीं है, लेकिन यात्रा है तो समेटना तो है ही है ना। कितना? मित्रों माताओं, दुनिया के हर वस्तु व्यवहार की सीमा है।
संसार का सुख लेना चाहोगे, इंद्रियां ही जवाब दे जाती हैं, तो क्या लोगे? आंख देखना बंद कर देगी, नाक सूंघना बंद कर देगी, जिह्वा रस लेना बंद कर देगी, त्वक काम करना बंद कर देता है, कान सुनना बंद कर देता है। धीरे धीरे भगवान सबकी जो चेतना है उसको कम करने लगते हैं, लेकिन अर्थ एकत्र करने की यात्रा यदि प्रारंभ हो गई तो वो मरने के साथ साथ भी बनी रहती है, उसका कभी अंत होने वाला नहीं है। इसलिए इसको साधो साधो, इतना इतना कब तक? तब तक उसके बाद जैसे राम जी रखे वैसे रहना चाहिए, सीता राम दिन रात कहना चाहिए। सीमा तय करो, या तो वै की अथवा आय की, दोनों में एक तय करो, नहीं तो ये चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। भगत को जाते जाते भजन की सीमा बढ़ानी है। भजन तो कई लोग एकादशी व्रत करते हैं, बैठा देते हैं, उद्यापन कर देते हैं। एकादशी का क्या उद्यापन जी? एकादशी व्रत करो और जाओ, उसको क्या उठाना बैठाना? किस पंडित जी ने कहा एकादशी बैठाओ? नाम बताओ, लिखा है क्या? एकादशी व्रत करके ही महाप्रयाण हो गया तो भगवान वैकुंठनाथ की शरण में चले जाएंगे। बंद करने नहीं, उठाना है। एकादशी व्रत उठा लो, भजन बंद नहीं करना है, भजन को प्रारंभ करना है। कितना करते रहो ना। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।